नमस्ते प्रणाम और नवरात्र की ढेर सारी शुभकामना आप सबको कि माता रानी आज आप सबको इतनी सतबुद्धि भी दे और सन्मत दे, धन दे, दौलत दे, सुकून दे आप सबको कि आप ऐसे ही अपने दुनिया में अपने परिवार में खुश रहें। और इसीलिए मैं आज नवरात्र का पहला दिन है तो मैं सोचा कि आप सबसे एक बार बात कर लूँ और आपका प्यार और मोहब्बत पालूँ, क्योंकि आपके प्यार के बिना हर वो चीज़ मेरी अधूरी रहती है। कोशिश करता हूँ। और आज मेरा गाना भी रिलीज़ हुआ है भाई, मैं आज 6 दिन से सच पूछूं तो सो ही नहीं पा रहा हूँ। 3 बजे 4 बजे आ रहा हूँ, 5 बजे तक गाना शूट कर रहा हूँ, उसके बाद फिर 7 बजे 4 बजे 3 बजे आदमी सोता है और 8 बजे उठ के फिर शूटिंग पे जाता है। तो एक मेरा गाना रिलीज हुआ है, 6 साल बाद पाखी जी कम बैक की हैं, क्योंकि ये इनको लगता था कि भोजपुरी इंडस्ट्री में अब यार क्या करूं मैं, क्योंकि इतने बिजनेस में बिजी हो गई, क्योंकि खुद का बिजनेस बहुत है इनका। बट जब ये डांस कर रही थी तो एक बिजली की तरह ये डांस कर रही थी। मैं बोला कि 6 साल बाद अगर इतना अच्छा, तो ये जुनून है एक भोजपुरी के प्रति, और इनका जुनून जो था वो कमाल का। बाप रे, पहली बार इनके साथ मैंने काम किया और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज भी इनके अंदर वो जुनून ऐसा है भोजपुरी भाषा के प्रति, भोजपुरी लोगों के प्रति, भोजपुरी सॉन्ग के प्रति। आदि शक्ति से रिलीज हुआ है मेरा गाना बंगलिनिया, तो आप ढेर सारा प्यार और मोहब्बत दीजिए। एक बार बजाइए विवेक जी। अखिलेश कश्यप जी देखिए, ये हमारा भाई है विवेक, मैनेजर साहब है, जो कि सारा मेरा काम देखता है। ये अखिलेश कश्यप जो गाने के राइटर हैं और बहुत सारे गाना, लहंगा लखनऊवा से लेके, दो रुपया से लेके, भतीजवा के मौसी से लेके, मैंने जितने भी हैं। और ये हमारे आज हमारे पंकज भाई हैं, जो कि हमारे भाई हैं। और आप बात कर सकती हैं भैया की ऑडियंस से। हेलो, 6000 लोग। हाय एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। हमने परसों गाना शूट किया और आज गाना रिलीज भी हो गया यहाँ पे, ये फैक्ट्री बहुत फर्स्ट। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.